प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बोलने जा रहे हैं। आगे का समय पूरी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि यदि आप बोलेंगे तभी हम सुनेंगे और आशीषित भी होंगे। मनुष्य की वाणी से नहीं, आपके मुख के एक एक वचन से हमें जीवन मिलता है। आपका वो जीवन आपके मुख के द्वारा हमारे जीवन वरन हमारी हड्डियों में भी समा जाए, क्योंकि वचन हमारी हड्डी को हरा भरा कर देता है। पिता आज हमें अलग करें, मांस मांस गुदे गुदे को अलग करें, ताकि प्रभु जी हम सही रीति से, हमारी आंखों से पट्टी उतर जाए, हम वैसा देखें जैसा आप दिखाना चाहते हैं, वो सुने जो आप चाहते हैं कि हम सुने। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो। सारी महिमा आदर आपके चरणों में देते, आपका नियंत्रण मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम सब मिलकर विश्वास करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन 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 आमीन। ओके, हो रहा है आपके साथ यदि कुछ अनोखा हो रहा है ना, तो एक बात समझ ले, आप बहुत विशेष लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। याकूब को परमेश्वर ने जंगल में दर्शन दिया, वहां पर सीढ़ियां दिखी, वहां पर दर्शन मिल रहा था। याकूब के पास थोड़ा सा तेल था, वो थोड़ा सा तेल भी प्रभु ने ले लिया, या उन्होंने प्रभु को दे दिया। प्रभु चाहते हैं कि इससे पहले आप बहुत आशीषित हो जाए, आप जीरो हो जाए। प्रभु चाहते हैं इससे पहले आप बहुत आशीषित हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, आपका आप में कुछ ना बचे। प्रभु चाहते आपको प्रभु खत्म पूरी रीति से आपके आपके स्वभाव को, आपके नेचर को, आपके आपके अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसको खत्म करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां आपका ईगो खत्म हो, जहां आपकी डिटाई खत्म हो, जहां आपका रिएक्ट करना खत्म हो जाए, जहां आपका जवाब देना खत्म हो जाए, जहां आपका अपने आप को कुछ समझना खत्म हो जाए, जहां आपको अपनी सामर्थ पर डिपेंड होकर भरोसा रखकर काम करना की जो आदत है वो खत्म हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि आप खत्म हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु के हाथों में हो और पूरी तरह से ऐसा कंट्रोल्ड हो, इतना कंट्रोल्ड हो कि प्रभु उसके उस जीवन को ऐसा मोल्ड करें और ऐसा सुंदर बनाए कि प्रभु की महिमा उसमें हो। याकूब क्या चाह रहे हो? मुझे धन संपत्ति मिल जाए, आशीष मिल जाए, और क्या चाह रहे हो? मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, मुझे पहलौठे होने का पद मिल जाए, लेकिन प्रभु उससे बड़ा देना चाह रहे थे, लेकिन उसी कारण से परमेश्वर ने उनके जीवन में परिस्थिति रखी। अब हम देखते हैं कि वो दशमांश देकर वादा करते हैं, प्रभु मैं आपको दशमांश दूंगा। वो वहां से निकल जाते हैं, अपने मामा के घर में जाते हैं, और मामा के घर में जाकर कई बार आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी हो जाती है मेरे प्रियो, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप सब कुछ अपना एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन आपका वो एफर्ट कई लोगों की दृष्टि में ऐसा है जैसा आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आप किसी के अधीन हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। लोग आपको यूज कर रहे हैं, लोग कहते हैं लोग आपके आपकी लाइफ को, आपके टाइम को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। लोग ये सलाह देने लगते हैं। याकूब के साथ क्या ऐसा नहीं हुआ? बस 7 साल परिश्रम किया, लाबान ने तुझे धोखा दे दिया भाई, फिर तेरे को फंसा दिया 7 साल के लिए, तब भी गारंटी नहीं है कि तुझे ब्लेसिंग मिल जाए। कई बार प्रभु आपको लेते हैं और ऐसी परिस्थितियों परीक्षाओं में रख देते हैं जहां पर आपको ये लगने लगे कि यार मेरी लाइफ वास्तव में कहीं जा रही है कि नहीं जा रही, मैं कंफ्यूज हूं बड़ा। क्या आप में से कोई ऐसी परिस्थिति उनको आया है आज तक? कोई आया है? एक आध कोई होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब कुछ लोग तो सुन रहे हैं। यदि आप नहीं आए तो आप आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको हर ऐसी परिस्थिति से बचाए, मेरी फिर भी यही हुआ। क्योंकि जब आप ऐसे होते हो आपको अपनी लाइफ को देखकर लगता है मेरी लाइफ मुझे लग नहीं रही कहीं जा रही। ईमानदारी की बात है, मेरे साथ कभी भी ऐसा परिस्थिति ऐसी लग रही है कि यार ऐसा ना हो किसी दिन मेरी नींद खुले और मैं कहूं ले ओ इतने साल बर्बाद कर दिए मैंने। कई बार दिल में ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं आती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना खुदा के नियंत्रण में है। आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा है प्रभु के नियंत्रण में है। आपके साथ कुछ भी हो रहा है प्रभु के नियंत्रण में है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नियंत्रण में है।
आप बीमार पड़ गए, प्रभु का धन्यवाद हो, ये प्रभु के नियंत्रण में है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है भरोसा रखो, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी नहीं भैया वो मेरी गलती थी, मेरा पाप था, उसके बाद भी प्रभु ने उस पाप को, आपकी उस गलती को कैसे इस्तेमाल किया कि आपका फायदा हो जाए, ये प्रभु की बुद्धि है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप एक बात याद रखो, प्रभु के नियंत्रण में है। मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे प्रभु की इतनी बुद्धि है, इतना असाधारण बुद्धिमान है, मैं गलती करता हूँ, उन गलतियों को ऐसा मोड़ तोड़ के ऐसा सिस्टमेटिकली जमाते हैं कि उससे मेरा फायदा ही निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, अंत में जो हुआ सब भला हुआ, वचन में लिखा जो खुदा की इच्छा के अनुसार भला बोले उनके लिए क्या बातें, सारी बातें, अच्छे अच्छे काम नहीं सारी बातें, उनके लिए थोड़ी थोड़ी बातें नहीं सारी बातें, आपको घर छोड़ना पड़ा सारी बातें, आपको रिश्ते छोड़ने पड़े सारी बातें, आपने जॉब छोड़ दी सारी बातें, ये सारी बातें मिलकर क्या प्रॉफिट देंगी आपको, आपकी भलाई होगी क्योंकि आप प्रभु के लोग हो, प्रभु ने याकूब को बुलाया, सारी बातें मिलकर क्या उत्पन्न की भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड, 14 साल में उन्होंने जो अनुभव लिए उस अनुभव के कारण से याकूब जब लाबान के घर से निकले तो याकूब अब अड़ंगा लगाने वाले नहीं थे, अब याकूब परिश्रम करने वाले याकूब थे। आपकी लाइफ में प्रभु ने आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला है ताकि इमेज जो खराब हुई ना आपकी इतने वर्षों तक, उस इमेज को प्रभु सुधार दे, याकूब की इमेज को सुधार। याकूब से कोई नहीं कह सकता कि अरे आपको तो यूं ही मिल गया, आपके पुरखों की ब्लेसिंग यूं ही मिल गई, आपने कुछ परिश्रम नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह सकता याकूब को। याकूब ने 14 साल बहुत ज्यादा परिश्रम किया, बहुत ज्यादा परिश्रम किया। आज जो इज़राइल इमेज लेकर चल रहा है वो इमेज कब शुरू हुई बनना, जब याकूब जंगल में थे, लाबान के घर में थे 7 साल, फिर और 7 साल और जानवरों के बीच में थे, तब जाकर परमेश्वर ने इज़राइल की इमेज को बनाना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है, भैया बहुत बुरा हो रहा है मुझे पता है बहुत बुरा हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, भैया इतना बुरा मैंने नहीं देखा किसी के साथ हुआ, आप याकूब को देखें उसके साथ बहुत बुरा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बुरा हुआ। अब दाऊद के जीवन को देखते हैं, घरवालों के बीच में कोई इमेज नहीं, जानवरों के पीछे रख दिया जाता था, घरवाले बोलते थे टिफिन यहां से वहां क्रॉस करो, कोई काम के नहीं हो तो इसलिए जानवर चराओ, जो मेन काम है हमारे घर के सैनिकों वाला काम और जो अच्छे अच्छे काम उसमें तुम शामिल मत हो। जब घर में ब्लेसिंग की बात आई, शमूएल आए तो जितने भाई खड़े हुए उसमें आप दाऊद नहीं थे, तो दाऊद के जीवन को मैं देखता हूं तो एक चीज मुझे सीखने को मिलती है कि दाऊद जानवरों के साथ चलते थे, प्रभु ने कुछ सिखाया वहां पे उनको। आपकी लाइफ की हर परिस्थिति में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, एक बात याद रखें, कुछ आप सीख रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है कि आपके अंदर आपका जो वंश बीज है, थोड़ा सा कह रहा है, आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है, यदि आप कुंवारे हैं, यदि आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे अभी नहीं है, आपकी लाइफ में आज वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, आपके फ्यूचर में होगा, लेकिन वो इतना ही नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में थोड़ा और ज्यादा आगे चलता है। खुदा की दृष्टि आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर पे नहीं होती, आपका लाइफ इतनी सीमित है, लेकिन जब आप चल रहे हो आपके अंदर जो आपका वंश बीज आप कैरी कर रहे हो, जो आपकी क्वालिटी बन रही है वो उनकी भी क्वालिटी बन रही है, जो आप सीख रहे हो उसकी ब्लेसिंग उनको भी मिल रही है, जो आपके अनुभव हो रहे हैं
उसका अनुभव का जो आधार है आप हो, लेकिन उसकी जो ब्लेसिंग है वो पीढ़ियों में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। दान, नप्ताली, यहूदा, ये सब ये 12 क्वालिटीज थी। किसमें थी? याकूब में। कितने लोग समझ रहे हैं? कहां से मिली? याकूब ने, अर्थात इज़राइल ने अपने 12 बच्चों को बुलाया और क्या किया? ब्लेस किया। ब्लेस किया मतलब ब्लेसिंग दी, मतलब ट्रांसफर करी। तो कहां थी? याकूब के, अर्थात इज़राइल के पास। कैसे आई? ये तो अड़ंगा लगाते थे। आपको नहीं लगता ये 14 साल में अंदर आई होंगी? आपको नहीं लगता ये जानवरों के पीछे चलने में अंदर आई होंगी? आपको नहीं लगता यहूदा में जो बोल्डनेस थी वो कहां से आई? यद्यपि खुदा से आई, लेकिन वही बोल्डनेस जंगल में, जब याकूब अकेले सोते थे जंगल में, है ना, वो कहीं ना कहीं वो बोल्डनेस परमेश्वर ने उनको भरोसा करना सिखाया, तब यहूदा गोत्र जो है सिंह के समान बना। प्रेज द लॉर्ड। ये जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में आ रही है और आपके वंश में उतर रही है, आज आपके साथ जो हो रहा है ना, प्रभु का धन्यवाद देना, आपके साथ हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है प्रभु का धन्यवाद देना, उसकी जो ब्लेसिंग है आपके वंश में उतर रही है। तो मैं, मेरा जीवन मुझ तक सीमित नहीं है, मेरे लोगों तक, मेरे भविष्य तक ही सीमित नहीं है, मेरा जीवन मेरी आपको पता है, आप जो दशमांश भी देते हो ना, इसका भी हिसाब है ना, वंश में जाता है। आप जो भेंट देते हो ना, उसका भी जो ब्लेसिंग है ना, वंश में उतरती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप कितने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हो प्रभु के लिए, आप सोच नहीं सकते इस परिस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। आपका वंश ब्लेस्ड हो रहा है, आपका फ्यूचर ब्लेस्ड हो रहा है, और वो लोग पैदा ही होंगे तो आशीष में होंगे। वाह, आपने खूब दशमांश दिया, वो लोग पैदा ही होंगे पैसे में होंगे। प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसिंग्स में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो पैदा ही होंगे तो मसीह में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो पैदा ही होंगे तो आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। याकूब पैदा हुए आशीषित थे, लेकिन प्रोसेस से वो भी नहीं बचे। आप नहीं बचेंगे प्रोसेस से, कोई नहीं बचता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रोसेस से कोई नहीं बचता है। प्रोसेस हो रही है आपके साथ, मेरे साथ प्रोसेस हुई, आज भी हो रही है। तकलीफें इतनी ज्यादा है, मैंने अपने पूरे सांसारिक जीवन और मसीह जीवन में नहीं देखी थी, मैंने 2019 के शुरुआती महीनों में देख ली। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो कई बार तो ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियां इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं कि मुझे ये कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या प्रभु मेरे साथ है। वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं कि मुझे शक होने लगता है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं, चाहे सेवा है, चाहे जो कुछ भी निर्णय ले रहा हूं, क्या वो सही भी है कि नहीं। वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि मेरे को लगता है कि कोई मेरे लिए दुआ कर दे और ये बोल दे कि हाँ प्रभु तेरे साथ है। वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि बस मैं ये देखता हूं कि प्रभु एक आज सपना ही दे दो कोई सा, ताकि मुझे ये लग जाए कि आप मेरे साथ, कुछ बता दो थोड़ा सा, मुझे हिंट दे दो, कहीं किसी के द्वारा बस ऐसे ही बोल दो, कुछ तो करो प्रभु। मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं जब मैं सेवा में आया था और लोग कह रहे थे भैया आप दास हो, लेकिन मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के लिए दुआ करूंगा वो ठीक होगा। उन दिनों में बस ऐसी दुआ कर देता था, ये भरोसा भी नहीं होता था कि वो ठीक होगा, लेकिन अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दुआ करना पड़ता था। और मैं दुआ करता था प्रभु इनको ठीक कर देना, आपकी इच्छा पूरी हो। लोग कहते थे भैया अगवाई तो हमें, हम प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता कोई अगवाई नहीं मिलती। लोग बोलते थे भैया ऐसा करो वैसा करो, आराधना करने के लिए भैया खड़ा करते, आराधना में खड़ा हो जाता, पसीना पसीना हो जाता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को उपस्थिति नहीं लगती। मैं अपनी लाइफ में वो सब काम कर रहा था लेकिन उसमें कुछ लग नहीं रहा था, और कई बार ऐसा लगता था क्या पता क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी को गलतफहमी हो गई कि उन्होंने मेरे लिए ये भविष्यवाणी कर दी कि मैं दास हूं। गलती तो नहीं कर रहे हो सुराज भाई, बीसीए ही कर लेते। गलती तो नहीं कर रहे हो, काम कर लो। प्रेज द लॉर्ड। गलती तो नहीं कर रहे हो, एक छोटी सी परिस्थिति में आदमी इतना बड़ा विचार नहीं रखता। कितनी बार ऐसा देख रहा होगा, कितनी बार पीड़ित हो रहा होगा, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैं प्रभु का दास हूं। और लोग तो फिर भी मुझे मान रहे हैं, लेकिन मैं खुदा की ओर दृष्टि कर रहा हूं तो वहां से मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है कि प्रभु आपने मुझे अगवाई भी नहीं दी और कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ।
अब मैं कैसे मानूं कि मैं आपका दास हूं? दास खड़े होते हैं, भविष्यवाणी होती है, मुझे तो वरदान का नहीं पता कि मेरे को कौन सा वरदान मिला है, मुझे अगुवाई का कुछ नहीं पता। चलो आराधना में सामर्थ्य उतर जाए, मैं प्रभु से बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आशीर्वाद मुझसे कहते हैं ना आ जाओ, मैं बोलता हूं प्रभु गीत में लास्ट में थोड़ी देर के लिए थोड़ी सामर्थ्य उतार देना, तेज ताली बज जाए ताकि लोगों को लगे कि भैया आराधना अच्छी हुई है, प्लीज। वो भी नहीं होता, कुछ तो प्रूफ दे दो प्रभु प्लीज। मैं इस भय में था कि क्या पता मैं दास हूं कि नहीं, और दूसरा भय ये था कि लोगों को नहीं पता चल जाए कि मैं वास्तव में दास नहीं। और इससे पहले उनको पता चले मैंने यहां से खिसक लिया। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, नहीं तुम्हारे जो 11 भाई हैं तुम्हारे आगे झुकेंगे, यूसुफ के लिए यही हुआ था, लेकिन वो गड्ढे में पहुंच गए, फिर जेल में पहुंच गए, फिर पोतीपर की पत्नी ने फंसा दिया और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि पूरे मिस्र में बेइज्जती। और चलो उस बीच में प्रभु बात कर रहे हो तो चलो भरोसा रहता है यार, प्रभु की बात भी बंद हो जाए तो, अगुवाई मिलना बंद हो जाए तो, आपके ऊपर सामर्थ्य उतरना बंद हो जाए तो, कुछ भी नहीं लगता है कि आपके साथ ऐसा पॉजिटिव हो रहा है जो आपको ये कन्विंस करा दे कि आप प्रभु के साथ हो और प्रभु आपके साथ है और आपकी लाइफ में जो हो रहा है प्रभु के नियंत्रण में है। उस वक्त में केवल एक चीज है आपके लिए, और उसके पढ़ने के लिए भी प्रभु अगुवाई नहीं देंगे कि आपको भजन संहिता का इतना है ना इतने का ये वाला पद पढ़ना है, उसके लिए आप बैठे हुए घंटे हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, प्रभु बात तो करिए, नहीं आपको ऐसे वचन नहीं मिलेगा, वो आंखों में दर्शन मिलते थे ना आपको वाले, यशाया 60 का एक निकाल, वो सब नहीं होना, क्योंकि आपको ये भरोसा है प्रभु जब वो वचन देते वो मेरे लिए होता है, आपको ये भरोसा नहीं है कि जहां आप खोल के पढ़ोगे वो आपके लिए लिखा। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जहां आपको लगता है कि प्रभु आपके साथ नहीं है, बाइबल खोल के पढ़ रहे लेकिन कुछ लग नहीं रहा, टच नहीं हो रहा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मेरे अंदर ही नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा प्रभु एक अध्याय पढ़ा कुछ लगा ही नहीं मेरे लिए। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जब आपको ये लगे कि प्रभु आपके साथ नहीं है, और वो प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें आपको तकलीफ होती है और आपको ये लगे कि प्रभु आपके साथ नहीं है, और हद तो ये हो गई, चलो 14 साल का तो 14 साल, अब मेरे को एक जैसे तैसे करके तो स्वर्गदूत दिखे, बहुत दिनों बाद दिखे और स्वर्गदूत आकर मुझसे लड़ रहे हैं, रात भर मेरी लड़ाई स्वर्गदूत से हो रही है, याकूब के साथ कितनी परिस्थिति बनी है सोच कर देखो, और स्वर्गदूत ने लड़ लिया और स्वर्गदूत बिना ब्लेसिंग के जाने लगे, भाई मैं कहां से दाल से लेके ब्लेसिंग चाह रहा हूं, मैंने फिर बछड़ा खिलाया, इतनी नकली चमड़ी लगाई, सब कुछ मैंने कर लिया, मुझे ब्लेसिंग चाहिए मुझे नहीं मिली, मैंने 14 साल परिश्रम किया मुझे ब्लेसिंग चाहिए मुझे नहीं लगा कुछ मिला, अब आप रात में मुझे दर्शन दे दिए और आप आज निकलने वाले हो, और जाते जाते जब मैंने आपको रोका आपने मेरी नस चढ़ा दी और आप जा रहे हो बस, है ना, स्वर्गदूत ने क्या किया था, नस चढ़ा दी, अब नस का दर्द इतना ज्यादा होगा कि उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो कहते जब तक तुम मुझे ब्लेसिंग नहीं दे, आपको नहीं लगता ब्लेसिंग के पीछे इतने आंसू बहाए उनके उदास ने, केवल मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, मेरा दाल के कारण ब्लेसिंग नहीं मिली, मेरे को बछड़े के कारण ब्लेसिंग नहीं मिली, 14 साल मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, अब मैं अकेला हूं मुझे ब्लेसिंग चाहिए, जब तक तुम मुझे आशीष न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कितना एफर्ट लगा रहा है वो दास जिसके पिता के परमेश्वर परमेश्वर है, जिसके दादा के परमेश्वर परमेश्वर है, और वही परमेश्वर उसके भी साथ है, लेकिन फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है?
आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियो, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के नियंत्रण में, मेरी जवानी जा रही है प्रभु के नियंत्रण, मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर से दूर हूं, अपने परिवार से दूर हूं, अपने लोगों से दूर हूं, और घर में होकर भी मैं घर वालों से दूर हूं, परिवार में होकर भी परिवार से दूर हूं, कलीसिया में होकर भी कलीसिया से दूर लग रहा है, कुछ तो भी हो रहा है मेरे साथ, कोई अगुवाई नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, अब तो दास लोग भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, कुछ भी मेरे साथ अच्छे से नहीं हो रहा है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है लॉर्ड, क्या है मेरी गलती? अय्यूब के जीवन को देखो, क्या थी गलती? लेकिन हो रहा और पीड़ा बहुत ज्यादा बड़ी, एक प्रोसेस थी, आपकी लाइफ में जो कुछ होता है एक प्रोसेस है, प्रेज द लॉर्ड, और उस प्रोसेस में प्रभु आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड, आपके जीवन में परिस्थिति आती है ताकि आप अनुभव से सीख जाओ कि प्रभु आपके साथ है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में कितनी परिस्थिति आई जिनमें मुझे लगा कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं मुझे लगा कि अब मैं गिर जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं घुटने टेक ही देता था, उस वक्त में गिरते गिरते प्रभु मुझे उठा लेते थे, संभाल लेते थे। जब मुझे ये लगा, अभी हाल ही में मेरे साथ ये परिस्थिति आई, मैंने कहा प्रभु, मैं लिटरली रोने लगा, मैं रो कर दुआ नहीं करता हूँ, बहुत कम, मैं रो के दुआ करता ही नहीं हूँ, मेरे से होता ही नहीं। लेकिन परिस्थिति जब ऐसी आ जाए कि आपके पास शब्द भी ना हो, आप प्रभु के चरणों में घुटने टेको और बस आंसू आंसू आपके शब्द हो जाते, कुछ है नहीं मेरे पास, बस इससे समझ जाओ प्रभु, इसमें एक आंसू में करोड़ों भावनाएं हैं प्रभु, करोड़ों दुख हैं प्रभु, करोड़ों परिस्थितियां हैं प्रभु, वो आंसू आंसू नहीं है प्रभु, मेरी परिस्थिति का जो है, मेरी परिस्थिति का अर्थ है, निचोड़ है, मेरे दुख का जो, मेरे दुख, इतने सारे दुख को बिल्कुल कंप्रेस करके आप इतना छोटा कर दो कि एक बूंद हो जाए, वो चीज है, और पता है प्रभु के लिए कितना कीमती है, प्रभु हमेशा साथ में रखते हैं, प्रभु हमेशा पास में रखते हैं, उसने अपनी कुप्पी में रखा है उसे, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी है, क्यों रखा? क्योंकि जिस प्रोसेस से जब प्रभु गुजार रहा था, वो आपकी पीड़ा को देख रहा था, वो आपके साथ ही चल रहा था, वो आप भी को देख रहा था, और इस वक्त आप टूट कर जब अपने घर में रात में रो रहे थे, उन आंसुओं को उसने छुपा दिया, अपने पास रख लिया, अपनी कुप्पी में रख लिया, और वो याद करता है उन आंसुओं को, और उसके कारण आपको ब्लेस करना चाहता है। आपकी परिस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियो, आज के दिन, इन दिनों में, आने वाले वर्षों में, दुख हो सुख हो कुछ भी हो जाए, आपके लिए भला है, कहीं ना कहीं वो भला कर रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्रभु का वचन कहता है, जो दुख मुझे झेलने पड़े मेरे लिए अच्छा हुआ, तेरी विधियों नियमों को सीख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के साथ क्या हुआ, वो जंगल में थे, जानवरों के पीछे थे, उन्होंने क्या सीखा कि जानवर कितने ढीठ होते हैं, कि चरवाहा बोलता है कि तुम इधर चलो, लेकिन जानवर बोलते नहीं, हमें वाली पत्ती खानी है ना, ढिठाई। मैं चीज सोच रहा था, और आज बड़ी अच्छी चीज मेरे मन में आई, दो ही लोगों को ढिठाई क्या होती है पता है, प्रभु के अलावा, एक पास्टर और एक चरवाहा। प्रेज द लॉर्ड। ढिठाई क्या होती है दोनों बहुत अच्छे जानते हैं, एक तो पास्टर और एक वास्तव में जानवर चराने वाले, सच कह रहा हूं, कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। प्रभु तो जानते ही हैं, सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि कलीसिया में भेड़े ही नहीं होती, बकरियां भी होती, उनकी छटनी ऊपर होनी है, उसने भेड़ों को दाहिने हाथ, बकरियों को बाएं हाथ कर दिया, और भेड़ों से कहा मेरे पिता के अंदर प्रवेश करो, इनसे कहा वही जाओ। दाऊद राजा ने सीखा, मूसा जी भाग गए, मिस्र से भागे, क्यों? प्रोसेस थी, क्या काम था? भेड़ बकरी चराना। मूसा जी राजाओं की तरह पले बड़े, अब कहाँ है जंगल में, कर क्या रहे, बकरी चरा रहे, क्यों भाग क्या है, क्यों? कुछ गलती हुई, वो प्रोसेस उनकी लाइफ के लिए सबसे मेन थी, वहां पर उन्होंने ढिठाई क्या होती है समझी, उस ढिठाई में सहनशीलता प्राप्त की,
क्योंकि यदि भेड़ बकरियों की डिटाई के कारण यदि सहनशीलता प्राप्त नहीं करते तो इसराइलियों की डिटाई के कारण सहनशीलता नहीं आती, और वो सहनशीलता नहीं होने के कारण से वो इसराइलियों के लिए तकलीफ हो जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी लाइफ की वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, आपके साथ अच्छा हो रहा, आपके साथ बुरा रहा हो, मेरे पति हो, मेरी पत्नी, ये सब अच्छा हो रहा है, ये सब जरूरी है आपके लिए। ये आपकी लाइफ है, ये प्रभु ने प्लान की है, ये सब प्रभु ने प्लान किया, कुछ इत्तेफाक से नहीं होता। आप गिर गए, आपका एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, आपका हाथ कट गया, अच्छा हुआ आपके लिए, बुरा से बुरा सोचो, अच्छा हुआ आपके लिए, क्योंकि खुदा की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए सारी बातें मिलकर बधाई उत्पन्न करी। प्रभु का वचन तो ये कहता है कितने ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज के लिए अपने आप को अपने हाथ पर काट दिए, अपने आप को यहां तक कि वचन में लिखा नपुंसक कर दिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्वर्ग जाने से वो पीछे हट जाए। प्रभु ने कहा, ये मेरी वाणी नहीं है, प्रभु ने, प्रभु की ही बातें हैं। जीसस जब पृथ्वी पर थे, मत्ती के अध्याय में, मत्ती में साफ लिखा हुआ है, कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक इसलिए कर दिया ताकि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, जो ग्रहण कर सके, प्रभु ने कहा वचन में, वो ग्रहण कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी कोई भी वीकनेस को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु, आपकी हर वीकनेस अच्छी है प्रभु के हाथों में। आपसे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा, प्रभु के हाथों में। आपसे नहीं हो सकता ये, बहुत अच्छा, प्रभु के हाथों में। ओ मैं हार गई, मैं फेल हो गई, बहुत अच्छा, प्रभु के हाथों में। ओ मैंने बहुत परिश्रम किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, बहुत अच्छा, प्रभु के हाथों में। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, बहुत अच्छा परिश्रम करो, लेकिन रिजल्ट आए तो एक्सेप्ट करो, चाहे फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लिटरली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइफ में पलट कर देखोगे ना कि आप इतने हजार बार फेल हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना मुकाम तो पा ही लिया जो आपको पाना था, आप फेल होकर पाए हो, पास होकर पाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु चाहते हैं आप परिश्रम करो, प्रभु चाहते हैं आप आलसी ना हो, प्रभु चाहते हैं आप हमेशा प्रभु को भरोसा रखो, प्रभु चाहते हैं कि आप हमेशा अपना 100% दो, उसके बाद फेल हो जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा रिजल्ट चाहते हो, पास, प्रभु हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। आप हमेशा अपने 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 रिजल्ट पे एंजॉय करते हो, प्रभु चाहते हैं आप प्रोसेस में एंजॉय करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी लाइफ में रिजल्ट का जो मोमेंट होता है बड़ा छोटा सा होता है। साल भर आपने इतना परिश्रम किया, लास्ट में आपकी आपका रिजल्ट आया, नेट पर देख के पापा मम्मी ने बताया या दोस्त ने, किसी ने मैसेज कर दिया, भाई साहब सेकंड लगा, भाई साहब छक्के मार दिए, फर्स्ट है। कितनी देर खुश होती है, कितनी देर खुशी होती, थोड़ी देर। और जैसे ही आप पास हो गए, घर वाले बोलते चलो 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 चलो, ज्यादा खुश मत हो जाओ, मिठाई विठाई सब खिला दिया हमने, अब चलो हमारे साथ बुक डिपो, अगली किताब लाना, फिर प्रोसेस चालू। आपकी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रोसेस का पार्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें प्रोग्राम किया गया रिजल्ट पे एंजॉय करने का, हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, इसलिए तो हम दुखी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब कब आशीषित हुए? जब वो बहुत धन के साथ लौटे और बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ लौटे, तब आशीषित तो नहीं। खुदा की दृष्टि में जब आशीषित हुए, जब अपने घर से निकल गए। खुदा की दृष्टि में जब आशीषित हुए, जब लावण की संग गुलामी कर रहे थे, खुदा उनके साथ थे, वो खुदा के साथ थे, प्रभु की उपस्थिति थी, ब्लेसिंग दिखनी नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु साथ थे, प्रोसेस में एंजॉय करो। आपको ये शिक्षा मिलती है आज के। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो यदि आपको 20 साल सेवा करना पड़े तब जाके आशीषित हो? क्या 20 साल वेस्ट गए? ये मुमतमत करना, 20 साल को यूटिलाइज करो, फायदा उठाओ। मेरे साथ जो हो रहा है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मेरे साथ है, आज ब्लेसिंग नहीं मिलती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मैं वो आंसुओं के साथ वो साल बिता रहता, आंसुओं के साथ ही बिताता रहता, आज भी तो मैं प्रोसेस में हूँ, आज मैं रिजल्ट में ही प्रोसेस में हूँ। मेरे को पहली कलीसिया मिली, प्रोसेस क्या सीखा? लोगों को क्षमा करना, लोगों से प्रेम करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोग आपके लिए फालतू बात करेंगे फिर भी उनको क्षमा करना, फिर भी उनके लिए दुआ करना, तमाम प्रकार की चीजें मैं जो सीख रहा हूँ ना आज, आप लोगों की कमजोरी से, आप लोगों की वीकनेस से, या लोगों की कमजोरी से, खुद की कमजोरी से, परिवार की कमजोरी से, वो सब कुछ मेरी लाइफ में ऐसा है, देखने से लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम में होंगे भैया, लेकिन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि एक दिन यदि आप यहाँ पर खड़े होकर उस चीज को जी लोगे ना, तो आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, रह नहीं पाओगे, नहीं रह पाओ,
बहुत बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ दे पोजीशन होती है, बहुत तकलीफ दे पोजीशन होती है, आसान नहीं होता ये। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, ये प्रोसेस है, मुझे एंजॉय करना है आज। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जो मेरे क्लोज रहते हैं वो इस बात को जानते कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, और वो भी अच्छे से नहीं जानते क्योंकि मैं बताता भी, प्रभु जानते मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ दुख में प्रभु चाहते हैं कि मैं अपने दुख में उनको शामिल कर लूं, ताकि वो सीख जाएं कि इस दुख में रिएक्ट कैसा करना चाहिए। तब जाकर उनको थोड़ी थोड़ी चीजें कई बार प्रभु बता देते हैं, उसका वो थोड़ा ही जब उनको पता चलता है बोलते भैया बहुत बड़ी बात है, भैया बहुत बड़ी बात है, भैया बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ कुछ अनोखी घटना नहीं घट रही, आपके और हम सबके साथ कुछ ना कुछ घट रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रिजल्ट में खुशी रियल में खुशी नहीं है, खुशी तो प्रोसेस में है। प्रोसेस लंबी होती, रीजन छोटा होता, और रिजल्ट जैसी आता है तो अगली प्रोसेस फिर शुरू कर देता है। हर रिजल्ट अगली प्रोसेस की शुरुआत है मेरे को। ओ मेरी शादी हो जाए करके देख लो। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरा बच्चा हो जाए, ओके जब हो जाएगा पता चल जाएगा। थोड़ी से मोमेंट को एंजॉय करने वाले लोग मत बनना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय मत करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रोसेस को एंजॉय करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रोसेस को एंजॉय करो। प्रेज द लॉर्ड। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। प्रेज द लॉर्ड। जो हो रहा है उसको एंजॉय करो। भैया बहुत दुख है, एंजॉय करो, आपका फायदा होने वाला, ये देख के ही एंजॉय कर लो। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ जो हो रहा है ना किसी के साथ होता ही नहीं है, मैंने देखा है किसी के साथ नहीं हो रहा, तो आप उनसे ज्यादा विशेष हो, आप वो बन रहे हो जो वो नहीं बन रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रोसेस ज्यादा खतरनाक है, आप उनसे ज्यादा पावरफुल बन रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप कंपेयर करने लगो अपने भाइयों से? नहीं मेरे भी, आप ऐसी स्थिति में कभी नहीं होते किसी से कंपेयर करो, लेकिन आप आनंदित तो हो ही सकते हो। ओ बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा, बड़ी पीड़ा, हर चीज में पीड़ा। मुझे एक बात बताओ, किस चीज में पीड़ा नहीं होती? कोई एक चीज बताओ जिसमें पीड़ा नहीं होती। वचन में लिखा रात को रोना पड़े सुबह आनंद में पहुंचेगा। आंसुओं के साथ बोलते हैं, जयजयकार के साथ लवने पाते हैं। आंसुओं के साथ प्रभु ने रो रो कर आज्ञा मानना सीखी, क्रूस पर शैतान को हरा दिया, कलीसिया को बचा लिया, मनुष्यों को बचा लिया, तब स्वर्ग में आनंद हुआ, और बड़ा आनंद हुआ, स्वर्ग में आनंद हुआ। लेकिन प्रोसेस पीड़ा वाली थी। पिता को, परमेश्वर को भी पीड़ा हुई होगी अपने बेटे को भेजकर इस धरती पर, क्या नहीं हुई होगी? क्या पिता को पीड़ा नहीं हुई होगी? जिस प्रोसेस में जीसस थे उस प्रोसेस का जो इफेक्ट था पिता पर भी आ रहा था। पैशन ऑफ क्राइस्ट में एक एक चीज मुझे सबसे ज्यादा छू जाती है, वो चीज सारी पूरी फिल्म ही बहुत आशीषित है, लेकिन एक समय में जब प्रभु अपने प्राण को त्यागते हैं क्रूस पर, जैसे ही वो कहते हैं पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसी समय में एक दृश्य है जहां पर एक बड़ा सा बूंद आता है, आंसू का बूंद, वो वहां पर पत्थर पर टकराता है और उसके छींटे उड़ जाते हैं। ओह, किसने सोचा था ये बहुत छू देने वाला था। वहां पर पिता के आंसू को बताया है, धन्य उस दास, उस शख्स के लिए, उस डायरेक्टर, उस प्रोड्यूसर और उस स्क्रिप्ट राइटर के लिए जिसने ऐसा सोच लिया। प्रेज द लॉर्ड। कौन देख रहा था पिता के दर्द को जब वो अपने बेटे को मरते हुए देख रहे थे? किसी को पता भी नहीं था, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि रियल में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पिता को हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोसेस में आप भी प्रॉब्लम में नहीं होते हो, प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपकी तकलीफों में वो भी तकलीफ में होते हैं। और मैं इसको आपको नेक्स्ट लेवल पे कुछ बात बताना चाहता हूं। प्रभु ने आप लोगों को अपने आत्मा से भरा है, आप झूठ भी बोलते हो तो वो व्याकुल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनको तकलीफ इतनी होती है क्योंकि वो बात करते ही नहीं कभी, और आपके साथ इतने कनेक्टेड है कि आप और वो एक हैं, और आपकी तकलीफ उनको इतना तकलीफ देती है कि वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि रूठ जाते हैं आपसे, और आप बात करते हो और वो बस सहते हैं, वो क्यों कर रहा है तू, क्योंकि उसे बाप सहन नहीं होता। उस बाप के कारण परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु को छोड़ दिया, पिता ने प्रभु को छोड़ दिया, वो पाप आप करते हो, सहन कर रहे हैं आपके साथ, आपकी हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सहन कर रहे हैं आपके साथ में। वो
ये मत सोचना प्रभु को नहीं पता कि आप प्रभु को कुछ एक्स्ट्रा बता दोगे दुआ करके, दुआ करो लेकिन आपकी हर वर्ष की प्रभु आपके साथ। एक दासी से जब मैं प्रार्थना कराता था वो हमेशा मुझसे कहती थी, ओ तेरे ऊपर कितने ज्यादा बंधन है, तो कितनी लोगों के लिए दुआएं करता है, वो सारी चीजें तेरे ऊपर आ जाती है, कितना लदा हुआ मेरे पास आता है, मेरे से दुआ करवाता है तू, कितना लगा लदा हुआ, तू दिख ही नहीं रहा, तेरे ऊपर पूरा अंधकार छाया हुआ है। बेटा सेवा केवल सेवा नहीं करते, अपने ऊपर भी दृष्टि कर, अपने लिए भी प्रार्थना कर, अपने आप को भी साफ कर। तेरा पूरा अस्तित्व, तेरा आत्मिक अस्तित्व डोला हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वजन है तेरे ऊपर, इतना ज्यादा अंधकार का पूरा काला साया और बादल तुझे घेरे हुए है, उसके कारण तेरा अस्तित्व डोला हुआ है। एक बार नहीं कहीं बार उन्होंने मेरे लिए ये बात कही, और उस वक्त में जब मैं उस परिस्थिति में होता था मुझे, मैं कंफ्यूज रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस ऐसा लगता था खुदा का आत्मा मेरे साथ है और ऊपर इतना वजन है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि लोगों की छोटी छोटी दुआओं के लिए वो प्रार्थना कराते और वो सारी चीजें पूरी लद जाती, उसके कारण मेरा आत्मिक अस्तित्व डोलने लगता था, मेरे से दुआ नहीं होती, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं होता। क्या वो मैं अकेले झेल रहा था? नहीं, खुदा का आत्मा मेरे अंदर वो रहकर वो परिस्थिति को झेल रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शिमशोन के अंदर खुदा का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन जब वो दलीला के साथ थे प्रभु पीड़ित, प्रभु को बुरा लगता था, प्रभु को अच्छा नहीं लगता था, प्रभु को वो चीज तकलीफ देती थी, लेकिन तकलीफ बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि प्रभु बोलते अब मैं सहन कर ही नहीं सकता, तू सुधर नहीं रहा है, अब मैं तुझे छोड़ दूंगा। प्रभु ने छोड़ दिया। क्या आपके पापों का खामियाजा आप ही भुगतते हो? आपके पापों का खामियाजा आप नहीं भुगतते, प्रभु आपसे ज्यादा भुगतते। वचन में लिखा है कि हम बार बार पाप करके बार बार प्रभु को क्रूस पर चढ़ाएंगे। आपका हर पाप के लिए जब आप क्षमा मांगते हैं प्रभु अपने अपने अपनी उस पीड़ा को स्मरण करते हैं और पिता से विनती करते हैं सारे लोगों की सारी दुआओं को लेकर इन सबको क्षमा करना, तब पिता कहते हैं ओके मैं क्षमा करता हूँ क्योंकि आपने लोगों तुमने लोगों बढ़ाया है। पिता उस पीड़ा को महसूस करते हैं, प्रभु उस पीड़ा को महसूस करते हैं, तब जाके आपके पाप क्षमा होते हैं। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि आपके साथ जो हो रहा है चाहे वो अच्छा हो बुरा, प्रभु उसमें आपके साथ इन्वॉल्व इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। यदि आप प्रभु से कनेक्टेड नहीं हो तो प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे आप हो या ना हो प्रभु तो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रभु क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको तो फर्क पड़ता है कि आपने इतनी गंदी बात बोल दी उनसे। प्रभु तू तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, उनको फर्क पड़ता है, वो तो सुन भी रहे, वो देख भी रहे, वो चाहते हैं कि आप स्थिर रहो, लेकिन आप प्रभु को कोस रहे हो, प्रभु को फर्क पड़ता है, वो हर्ट होते हैं, उनको तकलीफ होती है, उनको वो पीड़ा उनके ऊपर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अकेले नहीं हो जिस प्रॉब्लम में हो, प्रभु आपके साथ उस प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लिए हुए हैं। आपके अंदर खुदा का आत्मा है तो जो कुछ भी होता है। एक दिन मैं रात को सो रहा था और मैं रात को थक गया था और मैं प्रार्थना करके जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत प्रार्थना किया या नहीं किया और मैं सो गया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आधा जगा हुआ और आधा सो रहा हूँ, मेरा शरीर सो रहा था, मेरी आत्मा कॉन्शियसनेस में मैं था लेकिन हाथ पांव हिल नहीं रहे थे और बिल्कुल ऐसा बेसुध सा पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि घर की गेट में से कुछ चीज चल के आई और मेरे ऊपर एकदम वो प्रेशर डालने लगी और मैं इतना पावर नहीं थी मैं कि उसको हटाऊं भगाऊं या कुछ बोलूं कि तू भाग जा और कुछ भी हो जा, लेकिन मैंने अपने पेट में अपने अंतकरण में ऐसा महसूस किया कि यहाँ से एकदम से एक झटका वो जैसे ही मेरे ऊपर आया वो जो ताला सा है जो कुछ भी था और मेरे अंदर से एक झटका एकदम से निकला, तो झटके ने उसको इतना दूर फेंका कि वो मेरे घर से बाहर फेंका गया और मेरा बॉडी लिटरली उस समय तो हिल नहीं रहा था लेकिन उस झटके के कारण मेरा पूरा बॉडी बिस्तर से ऊंचा हो गया और मैं उठ गया। मैंने कहा यही क्या था? वो तकलीफ केवल मेरे ऊपर नहीं आती, वो तकलीफ मेरे प्रभु के ऊपर भी आती है। मैंने इसी सीख लिया। मैं तो इतना पावर में नहीं था कि उसको भगा सकूं, लेकिन उस तकलीफ को प्रभु ने विरोध किया, उस तकलीफ का प्रभु ने विरोध किया, उस तकलीफ का प्रभु ने विरोध किया। वो तकलीफ मेरे ऊपर आई थी, प्रभु ने विरोध किया, अर्थात वो तकलीफ प्रभु के ऊपर आई थी। वचन में नहीं लिखा जो कोई तुमको छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आपको तो कोई यहां पर छू रहा है
आपको कोई यहां पर छू रहा है लेकिन प्रभु को क्या मतलब, प्रभु ने आपको कितना खास बनाया है, कितने खास जगह रखा हुआ है। मेरी आंख की गुदली को छुएगा जो कोई तुम्हें छुएगा। वाओ वाओ वाओ। आपको पता है मच्छर यहां पर बैठ के काट सकता है? कभी देखा मच्छर यहां बैठ के काट गया? इसका मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है ये आंख की पुतली, और इतना तेज है कि गोली भी आए ना तो आंख बंद हो जाएगी, इतनी तेज है। कर्ण भी आता है तो आपकी आंख उसके आने के पहले बंद हो जाती है। इसका मतलब ये प्रभु ने आपको ऐसी बड़ी सुरक्षा में छुपाया है कि वो प्रॉब्लम आपके आपके पास तक आ ही नहीं सकती, और फिर भी आ रही है तो तकलीफ किसको हो रही है? किसको हो रही है? आपको नहीं हो रही भाई। आंख को दर्द नहीं होता, दर्द शरीर को होता है, दर्द ब्रेन को होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप तो केवल आंख की पुतली हो, परमेश्वर के आंख की पुतली आप हो। कोई आपको छुएगा तकलीफ किसको होगी? प्रभु को तकलीफ होगी, प्रभु को पीड़ा होगी, प्रभु को प्रॉब्लम होगी उस चीज से। याकूब आप 14 साल परिश्रम कर रहे हो, वो पीड़ा प्रभु को हो रही है। आप जंगल में हो, पीड़ा प्रभु को हो रही है। तो आप कम से कम यही सोचकर स्थिर रहो ना कि मेरे को ही नहीं प्रभु को भी पीड़ा हो रही है, प्रभु भी सहन कर रहे हैं, मैं भी सहन करूंगा और ईमानदार बना रहूंगा ताकि मैं वो बन जाऊं जो प्रभु मुझे बनाना चाहते हैं, क्योंकि अंत में मेरी आशा पूरी होगी और प्रभु की इच्छा पूरी होगी और सब कुछ अच्छा होगा। सोचकर देखो मेरे पियो, कहां पीड़ा नहीं होती, हर जगह पीड़ा होती है। आप सब लोग बच्चे हो, किसी ना किसी माँ के पेट से निकले हुए, क्या आपकी माँ को पीड़ा नहीं हुई जब आप पेट में थे? आपने आपकी माँ ने जैसे आपको कंसीव किया होगा उसी वक्त में उसकी उल्टियां शुरू हो गई होंगी, उसी वक्त में उसका जी मचलाने लगा होगा, उसी वक्त उसको पीड़ा होने लगी होगी। एक अलग व्यक्ति आपके शरीर में बन रहा है। माँ के साथ क्या होता है वो माँ ही जानती है। जब वो माँ बनती है वो पीड़ा को वो जानती है। आधी रात को वो कॉन्शियस में होती है अपने अपने बच्चे के लिए, खा रही होती है तो वो खाती है अपने बच्चे के लिए, सोच रही होती है सोचती है अपने बच्चे के लिए, प्लान करती है अपने बच्चे के लिए। वो प्रोसेस में है, वो तकलीफ में है, वो पीड़ा में है। 9 महीने वो अपने बच्चे को अपने पेट में रखी हुई है और वो एंजॉय का टाइम नहीं होता है, वो पीड़ा का समय होता है। और 9 महीने जितनी पीड़ा नहीं होती, बच्चे जन्मते समय उस पीड़ा को हजारों गुना कर दो, वो पीड़ा उस लास्ट मोमेंट पे होती है जब वो अपने उस बच्चे को देखती है अपनी आंख से। कितनी पीड़ा है मेरे लिए, हर जगह पीड़ा है। लेकिन वो माँ बोले जब बच्चा पैदा हो जाएगा जब भी खुश रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड, आप प्रोसेस में आनंदित रहो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजल्ट में नहीं सदा, मतलब रिजल्ट में भी प्रोसेस में भी हमेशा आनंदित रहो। चाहे मेरे खातों में पैसे होनी हो, दाखलतों में बाली हो कि नहीं हो, थानों में गाय हो कि नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे घटी हो, चाहे अकाल हो, चाहे कमी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे बीमारी हो। बच्चे मर गए कोई बात नहीं, कपड़े फाड़ कर मैं राख पे बैठ जाऊंगा, लेकिन धन्यवाद दूंगा और प्रभु से कहूंगा तूने दिया तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है। इस प्रोसेस में, इस सिद्धता में, इस परिस्थिति में आ जाओ ताकि आप आशीषित हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। आप आशीषित तब हो जब आप मानते हो कि आप आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित तब हो जब आप ये रिसीव करते हो कि आप ब्लेस्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है आपने प्रभु को ग्रहण किया ना, आपको तो खुशी हुई, आपके घर वालों को तकलीफ हुई। वो मानते ही नहीं कि आप आशीषित हो, वो मानते ही नहीं कि आप सही कर रहे हो, वो मानते ही नहीं। इसका मतलब ये कि ये मानने से होता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने ऐसे लोग हैं जो कितने आशीषित हैं लेकिन वो मानते ही नहीं कि वो ब्लेस्ड है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो मानते ही नहीं कि उनके पास सब कुछ है, वो बोलते कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप बहुत ज्यादा आशीषित हो, आप बहुत ज्यादा धन्य हो, आपके पास जॉब नहीं कोई बात नहीं आप आशीषित हो, आप परिश्रम कर रहे हो कोई बात नहीं आप आशीषित हो। आप आनंद ब्लेसिंग के टाइम नहीं करना, आनंद आज करना शुरू करो, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, प्रभु की इच्छा पूरी हो। कल आएगा नहीं कभी, आज ही हमेशा रहता है। Praise the Lord.
हमारी दृष्टि किस पे होती? कल पे। लेकिन कभी हम कल देख पाते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं? केवल आज। और प्रभु का वचन क्या कहता है? कल का दुख, कल आज का दुख ही बहुत है, कल के लिए चिंता मत करो, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। और प्रेजेंट में क्या होता है? कभी रिजल्ट होता है, कभी प्रोसेस होती है। प्रेज द लॉर्ड। कभी रिजल्ट होता है, कभी प्रोसेस होती है। हमेशा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां पर खड़ा हो गया आप लोगों के लिए, अच्छा है। चलो, आप लोग मुझे दास के रूप में एक्सेप्ट करते हो। मैं अपने फ्यूचर को देखकर आज भी रो सकता हूँ, मैं अपने वर्तमान को देखकर आज भी रो सकता हूँ। मेरी तकलीफें क्या है मैं आपको कभी शेयर नहीं करता, मेरी तकलीफें क्या है प्रभु जानते हैं। लेकिन ये जो दिखता जितना अच्छा है उतना अच्छा है नहीं कुछ, जितना अच्छा आपको लगता है उतना अच्छा है नहीं कुछ। ओ भैया, आपसे तो प्रभु कब बात नहीं करते, प्रभु तो हमेशा आपसे बात करते हैं। ये आपको लगता है, कई बार प्रभु हमसे उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से वो हमेशा करते आ रहे थे, ताकि हम उनके वचन पर भरोसा रखें। और प्रभु यदि परीक्षा में ही बोल दे कोई बात नहीं तेरा अंत ऐसा होगा, तो फिर परीक्षा का मतलब ही क्या? प्रेज लॉर्ड। आप अभी बीच में हो और प्रभु आपसे बता दें कि आपका अंत कैसा होगा, तो फिर तो परीक्षा का भी मतलब ही नहीं निकल जाता। प्रभु ने तो बोल दिया ऐसा होगा, फिर भरोसे की क्या जरूरत, फिर विश्वास की क्या जरूरत, फिर डिपेंड रहने की क्या जरूरत? आपको तो सब पता है आपके साथ क्या होगा। प्रभु ने सुख दुख को ऐसा 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 गूंथा है और ऐसा मिलाया है कि आपको पता ही नहीं चले कि आप जा कहां रहे, आपको पता ही नहीं चले लाइफ कहां जा रही। ओ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार जब मेरा बर्थडे आता है ना, पीछे पलट कर देखता हूं और घबरा जाता हूं, कर क्या रहा हूं मैं, हो क्या रहा है मेरी लाइफ, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं प्रोसेस में हूं। प्रेज द लॉर्ड। भाई शादी नहीं करी अभी तक, भाई मैं प्रोसेस में हूं। कहां रहते हो? किराए से। क्यों? प्रोसेस में हूं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च का नाम क्या है? अभी नहीं है। क्यों? प्रोसेस में हूं। आप तो बड़ी मिनिस्ट्री में होगा, खूब दान मिलता होगा। नहीं। क्यों? प्रोसेस में हूं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आप इतने ज्यादा ऐसी प्रोसेस में होते हैं कि लोग आपको दास के रूप में एक्सेप्ट भी नहीं करते, कलीसिया के रूप में भी नहीं मानते, क्योंकि जब कलीसिया में नोटिस जाते हैं आपके पास नहीं आते, इसका मतलब आप कलीसिया में नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यदि प्रोसेस लंबी है तो रिजल्ट भी बड़ा तूफानी होने वाला है। प्रोसेस यदि बहुत लंबी है तो रिजल्ट भी बहुत असाधारण होने वाला है। जो असाधारण रीति से बुलाए जाते हैं मेरे भाई, असाधारण परीक्षा होती है। जो असाधारण होते हैं उनकी असाधारण प्रोसेस भी असाधारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। चाय बनाने में 5 मिनट लगता है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बड़ी चीज बनाओ, चाय से पेट भरता है क्या? नहीं। आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे तृप्ति हो, समय लगता है। याकूब इज़राइल बने, इज़राइल आशीषित हुए, इतने ब्लेसेड हो गए ताकि पूरी पृथ्वी पर उनका असर हो। प्रभु आएंगे तो उन लोगों के लिए आएंगे, हम लोगों के लिए आएंगे। उनके ऊपर विपत्ति आती है, उसका इफेक्ट कलीसिया और उन लोगों पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रिजल्ट देखने के लिए वो लोग तैयार हैं? क्या रिजल्ट देखने के लिए याकूब आज देख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। चलो अब्राहम जी की लाइफ से सीखो और उसके बाद हम समाप्त करते हैं। अब्राहम जी की लाइफ में रिजल्ट कब आया? 100 साल की उम्र। 100 साल बर्बाद है फिर तो, 100 साल बर्बाद है फिर तो। भैया कितने साल की उम्र थी टोटल बताइए। हाँ, 75 साल की उम्र में उन्होंने उनको बुलाया, प्रभु ने उनको बुलाया। 75 साल की उम्र में प्रभु ने उनसे बात किया कि मैं परमेश्वर हूं और तुझे ब्लेस करूंगा। 25 साल उन्होंने वेट किया, 100 साल की उम्र में ब्लेसिंग मिली। लेकिन वो 25 साल के बीच में प्रभु आते हैं और कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोलते हैं प्रभु ये तो ठीक है,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे घर में एक लड़का पैदा हुआ, मेरी संतान नहीं है, उसको मेरी सारी संपत्ति जाने वाली है, सारी ब्लेसिंग उस पर जाएगी। प्रभु ने क्या कहा, तेरा प्रतिफल क्या हूं मैं हूं, तेरा प्रतिफल तेरा बच्चा नहीं है, तेरा प्रतिफल तेरा रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस में यदि मैं तेरे साथ हूं, बस यही ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रोसेस में यदि खुदा मेरे साथ है, बस यही ब्लेसिंग है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। रोटी चाहे एक हो या चार हो, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है, यही ब्लेसिंग है मेरे लिए। ओ मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ, यही ब्लेसिंग है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास कोई टाइटल नहीं है, आपको कोई पास्टर भी नहीं मानता, आपको कोई कलीसिया भी नहीं मानता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपके साथ है। ये तो मानते हैं आपके प्रभु आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। यही आपके लिए ब्लेसिंग है भाई, यही आपके लिए ब्लेसिंग है। और क्या ऐसे ही जीवन कट जाएगा? नहीं 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 नहीं, खुदा धोखा नहीं देता। प्रोसेस में हो, धीरे धरो, जब रिजल्ट आएगा तो सब ताली बजाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो सब वाहवाही करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो लोग पता बताएंगे वो चर्च वहां लगता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी आज कुछ नहीं हो रहा, फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस में हो, आपकी प्रोसेस बड़ी है तो आपका रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रोसेस बहुत खतरनाक है तो आपका रिजल्ट भी बहुत असाधारण है। आपकी प्रोसेस आपको हिला रही है, रिजल्ट दुनिया को हिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसराइल में जो कुछ होता है हम सबको हिला देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रोसेस बहुत बड़ी थी मेरे भैया, उस प्रोसेस में प्रभु उनके साथ थे। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके साथ प्रभु है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ मेरी तकलीफ बढ़ने वाली, मैं देख रहा हूँ मेरी पीड़ा बढ़ रही, मैं तो सोच रहा हूँ मेरी लाइफ इजी कट जाएगी और इजी होगा सब कुछ, लेकिन देख रहा हूँ मेरी लाइफ में पीड़ा बढ़ने वाली है। कोई बात नहीं प्रभु आपके साथ है, कोई बात नहीं प्रभु आपके साथ है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करे। प्रोसेस में प्रभु आपके साथ है, यही आपकी ब्लेसिंग है। प्रभु का वचन कहता है तेरा प्रतिफल मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। प्रभु ने कहा मैं हूं तेरा प्रतिफल, मैं हूं तेरी ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। ये साथ तेरी ब्लेसिंग नहीं है, मैं खुदा तेरी ब्लेसिंग हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हो गया हूं, अभी हूं, इसी वक्त हूं, इसी वक्त ब्लेस हूं, मुझे और कुछ नहीं, मुझे प्रभु मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आशीषित हूँ, हम आशीषित हैं, सब आशीषित हैं। हमारा प्रतिफल आप हैं, हमारा प्रतिफल आप हैं, हमारा प्रतिफल आप हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मिलकर इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।